सम्माननीय साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कैशबुक लेखन के बारे में, यानी हमारी कैशबुक या हमारी रोकड़ बही कैसी हो। साथियों, हम सभी शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी जो वित्तीय लेन देन करते हैं या वित्तीय अभिलेखों का संधारण करते हैं, उन्हें कैशबुक का भी संधारण करना होता है। तो कैशबुक या रोकड़ बही कैसी होनी चाहिए, उसमें किस तरह से प्रविष्टियां की जाए, आज के इस कालखंड में हम इसी संबंध में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो जो हमारी कैशबुक है या रोकड़ बही है, उसके प्रथम पृष्ठ पर हम एक प्रमाणीकरण लिखें, और प्रमाणीकरण में हम ये लिखें कि इस कैशबुक पंजी में पृष्ठ क्रमांक एक से लेकर के जितने भी पृष्ठ हैं, सभी पृष्ठों की मार्किंग कर दें, और मान लीजिए कि 65 पृष्ठ हैं, तो एक से लेकर 65 तक कुल 65 पृष्ठ हैं। ये प्रमाणीकरण संस्था प्रधान के द्वारा या उस शाखा प्रभारी के द्वारा किया जाना चाहिए, और इस तरह से सभी पृष्ठ पर हम पृष्ठ क्रमांक लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पृष्ठ क्रमांक 2। अब ये पृष्ठ क्रमांक 2 जो है, इस पर हम सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले तो हमारी संस्था का नाम आएगा। संस्था का नाम यहाँ हमने एक्स वाई जेड लिख दिया, फिर विकास खंड, जिला, और हम किस माह की कैशबुक का लेखन कर रहे हैं, तो जून 2021। मैंने उदाहरण स्वरूप यहाँ जून 2021 लिया है। तो साथियों, आपने कैशबुक के जो कालम होते हैं, उन कालम का अवलोकन किया है, वही कालम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो पहला पृष्ठ होता है, मतलब पृष्ठ का जो आधा भाग होता है, बाई ओर वाला भाग, यहाँ पर हम अपनी आय को दर्शाते हैं, तथा दाई तरफ वाले भाग में हम व्ययों को, यानी एक्सपेंडिचर को दर्शाते हैं या पेमेंट्स को दर्शाते हैं। तो सबसे जब हम लेखन शुरू करें, तो सबसे पहले हम ये देखें कि विगत माह में, यानी अगर हम माह जून की कैशबुक लिख रहे हैं, तो मई माह में अंतिम शेष कितना था। मई माह का जो अंतिम शेष होगा, वही आपका जून माह का प्रारंभिक शेष हो जाएगा। तो आप सबसे पहले दिनांक डालिए 1 जून 2021, और यहाँ पर हम प्रारंभिक शेष लिखेंगे। मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप लिखा है 600 रुपये। अब यहाँ दो कॉलम है, नगद एवं बैंक में जमा। यूं तो हम कुछ राशि नगद के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा, आसानी के लिए हम नगद अपने पास बिल्कुल ना रखें, सारा जो कैश है वो कहाँ दिखाएं, बैंक में दिखाएं। तो यहाँ पर हम सुविधा की दृष्टि से नगद बिल्कुल ना रखें, और हमने यहाँ लिखा है कि बैंक में जमा 600 रुपये और योग 600 रुपये, मतलब हमारे पास 1 जून 2021 की स्थिति में 600 रुपये शेष। अब चूंकि ये आय वाला भाग है, तो इसमें हम केवल आय को दर्शाएंगे। अब ये जो आय है, हमारी आय अगर प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं, तो शासन से मिलने वाली ग्रांट हमारी आय होगी, विभिन्न प्रकार की, जैसे कि शाला आकस्मिक निधि, शाला मरम्मत निधि, SMC ट्रेनिंग, या इस तरह के और भी जो मदें हैं जो शासन से हमें प्राप्त होती हैं, तो शासन से मिलने वाली मदें, जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप लिया है SMC ट्रेनिंग। SMC सदस्यों की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 16 जून को ये 1280 रुपये खाते में जमा हुए। तो पासबुक में एंट्री कराने के बाद, पासबुक को अपडेट कराने के बाद, पासबुक से देखकर हमने लिखा कि 16 जून को हमें 1280 रुपये प्राप्त हुए बैंक खाते में, नगद में आप डैश कर दीजिए, योग 1280। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है, या और कोई संस्था है जहाँ की शासन के अलावा भी अन्य लोगों से पैसा आता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप लिखा है छात्रों से प्राप्त शुल्क। हाई स्कूल में हम विद्यार्थियों से शुल्क लेते हैं, तो छात्रों से प्राप्त शुल्क 18 जून 2021 को 120 रुपये हमने खाते में जमा किए। बच्चों से वैसे तो हम नगद लेते हैं, लेकिन हम उसको तुरंत ही बैंक में उसी दिन जमा कर देते हैं, तो 120 रुपये बैंक में जमा, योग में भी 120। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान हमको रखना है कि अगर मान लीजिए हमें मिलने वाली जो राशि है, ये अगर चेक के माध्यम से आती है, तो यहाँ पर हम चेक क्रमांक लिखें। अगर सीधे RTGS के माध्यम से खाते में आ जाती है, तब यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। और मान लीजिए कि आपके पास जो राशि आई है वह नगद रूप में आई है,
या छात्रों से शुल्क के रूप में आई है और शुल्क के शुल्क जब आप लेते हैं तो उन्हें रसीद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम रसीद क्रमांक लिखेंगे, जैसे कि छात्रों से प्राप्त शुल्क 65 से 70, ये हमने लिखा हुआ है रसीद क्रमांक, यानी रसीद क्रमांक 65 से लेकर 70 तक, यानी 65, 66, 67, 68, 69, 70, इस तरह से ये 120 रुपए जो प्राप्त हुए वो हमने बैंक में जमा किए, तो इस प्रकार योग में भी 120 हो गया। अब अन्य प्रकार की राशि और क्या हो सकती है, बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज। सारे बचत खातों में बैंक के द्वारा कुछ राशि जमा धन पर ब्याज के रूप में दी जाती है। यहाँ पर मान लीजिए कि 30 जून को बैंक द्वारा ब्याज के रूप में 40 रुपए की राशि जमा की गई है, तो हमने यहाँ लिखा बैंक में जमा 40 और योग 40। अब यहाँ पर आप देखिए कि लेजर पृष्ठ क्रमांक, लेजर आप जानते हैं जब एक ही खाते में विभिन्न मदों की राशि जमा होती है या एक ही खाते में विभिन्न मदों का हम हिसाब किताब रखते हैं, तो हमारे लिए लेजर यानी खाता बही का संधारण करना अनिवार्य हो जाता है। और जब हम खाता बही का संधारण करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि कौन सी राशि किस मद में कितनी प्राप्त हुई, कितनी व्यय हुई तथा कितनी शेष है। तो हर कैशबुक के साथ में खाता बही यानी लेजर का होना भी जरूरी है। मान लीजिए कि SMC ट्रेनिंग का जो लेजर है हमने पृष्ठ क्रमांक 5 पर अंकित किया है कि SMC ट्रेनिंग के लिए जो राशि आती है। छात्रों से प्राप्त शुल्क को मान लीजिए कि हमने पृष्ठ क्रमांक 6 पर अंकित किया है, तो लेजर का पृष्ठ क्रमांक हमको यहाँ पर लिखना अनिवार्य है। इसी तरह बैंक के द्वारा मिलने वाले ब्याज को हमने लेजर के पृष्ठ क्रमांक 10 पर अंकित किया है, तो हमने यहाँ लिख दिया लेजर का पृष्ठ क्रमांक 10, ये लिखना अनिवार्य है। इसके साथ ही लेजर का संधारण करना भी अनिवार्य है, हम आगे किसी वीडियो में लेजर संधारण के बारे में भी बात करेंगे। अब इस प्रकार जो प्राप्ति या आय वाला जो भाग है उसमें आप देखिए अंत में माह की समाप्ति पर माह में प्राप्त कुल राशि, कुल प्राप्त राशि का हम योग करेंगे, तो नगद के रूप में तो हम कोई राशि यहाँ नहीं दिखाया है, हमने नगद लेने के बाद सीधे बैंक में जमा कर दिया है, तो नगद में निल। और जो राशि हमें प्राप्त हुई है देखिए बैंक में जमा 1280, 120 और 40, इसका योग हमने किया तो आ गया 1440, और इसका जो योग है ये अगले कॉलम में आ गया। इसी तरह आप देखिए दूसरा जो कॉलम है वह है प्रारंभिक शेष का, प्रारंभिक शेष यानी जो आपके पास पहले से शेष था, यानी 31 मई 2021 की स्थिति में जो अंतिम शेष था, तो वह है यहाँ 600 रुपए, तो 600 रुपए आपने यहाँ लिखा योग में, 600 रुपए लिखा और इसका आपने महायोग में योग कर दिया, तो 1440 और 600 का योग 2040, इसी तरह यहाँ पर भी 2040। तो ये हो गया हमारा आय वाला भाग। अब साथियों जो हमारे व्यय हैं, व्यय हम किस तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ वाले पेज में। अब दाईं तरफ वाले पेज में आप देखें कि एक तारीख की स्थिति में हमारे पास प्रारंभिक शेष इतना था और एक जून की स्थिति में हमने अगर कोई खर्च नहीं किया है तो आप उसके सामने डैश डैश कर दीजिए, नहीं भी लिखते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है। अब आप पासबुक में ये देखेंगे कि जून माह में कितनी तारीख को कौन कौन से व्यय हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि जून माह में हमने 17 तारीख को यानी 17 जून 2021 को चेक क्रमांक 123316 यानी इस चेक क्रमांक के माध्यम से कितनी राशि का आहरण किया है, 1000 रुपए का आहरण किया है। अब यहां आप देखें कि 1000 रुपए की राशि आपने चेक के माध्यम से नगद आहरित की, नगद पैसे आपने निकाले। अब नगद पैसे क्यों निकाले हैं, हमारे पास कई ऐसे छोटे छोटे खर्च होते हैं जहां पर हम सीधे फर्म को चेक नहीं दे सकते। अगर आप किसी मजदूर से विद्यालय की साफ सफाई करवाते हैं और उसको अगर चेक के रूप में देंगे तो वह चेक लेने से इनकार कर देगा। इसी प्रकार छोटे छोटे अमाउंट के हम चेक नहीं दे सकते या जो जिससे हम सामग्री क्रय करते हैं वह भी चेक नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक बड़ी राशि को चेक के माध्यम से आहरित करते हैं और आहरित करने के बाद विभिन्न मदों में उसको खर्च करते हैं तथा अलग अलग उसके बाउचर रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1000 रुपये नगद आहरित किए चेक क्रमांक 1233316 के माध्यम से। अब ये जो नगद आहरित
की गई राशि है। कहां से डेबिट होगी ये? आपके बैंक खाते से डेबिट होगी। तो हमने इसको चेक से निकाली गई राशि को कहां लिखा है? बैंक या चेक द्वारा व्यय। यहां पर हमने 1000 रुपए लिख दिए, योग में 1000। अब यहीं पर इस व्यय को हमने कहां पर दिखाया है? लेजर के पृष्ठ क्रमांक 6 पर। अगर हमने 6 पर दिखाया तो हमने यहां पर 6 लिख दिया। अब ये जो 1000 रुपए है, चूंकि ये आपके पास नकद रूप में आ गए, अब इस पैसे से आप विभिन्न सामग्री क्रय करने में इसको खर्च करेंगे। यानी जिस विक्रेता से आपने सामान लिया है या जिसकी सेवाएं ली है उसको नकद प्रदान करेंगे। इसलिए अब इन खर्चों को आप कहां दिखाएंगे? नगद वाले खंड में दिखाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर हमने 17 जून को राशि आहरित की है तो हमें यथासंभव 17 जून को ही इस राशि को व्यय भी दिखाना है, उसी डेट में उसे व्यय कर लें। हालांकि हम उसको एक दो दिन तक कैश इन हैंड भी रख सकते हैं कुछ राशि को, लेकिन यह रखना उचित नहीं होता है। तो यथासंभव हम प्रयास करें कि वह राशि उसी दिन व्यय कर ली जाए जिस दिन की हमने आहरित की। अब 17 जून को हमने चेक से 1000 रुपए आहरित किए, 17 जून को ही बिल वाउचर क्रमांक 016 के माध्यम से हमने किसको पेमेंट किया? अभिनव मेडिकल। अब मान लीजिए ये जिस शहर या जिस स्थान पर हम रहते हैं उस वहां का नाम लिख सकते हैं, अभिनव मेडिकल को प्रथमोपचार सामग्री का नगद भुगतान। हमने प्रथमोपचार पेटी में रखने के लिए कुछ दवाइयां इत्यादि खरीदी 600 रुपए की, तो हम इसको हमने नगद भुगतान किया, तो यहां हम लिखेंगे नगद भुगतान। इसी तरह 17 जून को ही हमने वाउचर क्रमांक 017 के माध्यम से हमने किसे नगद भुगतान किया है? सोहन का साला परिसर की सफाई का पारिश्रमिक भुगतान। अब सोहन क्या है? एक मजदूर है, तो वह आपको कोई बिल तो देगा नहीं। ऐसी स्थिति में हम एक सादे कागज में उससे रसीद लिखवा लेंगे कि मैंने साला परिसर की साफ सफाई का पारिश्रमिक 400 रुपए नगद प्राप्त किया। इस प्रकार जो रसीद होगी वही हमारा वाउचर होगी, जिसमें कि हम नंबर डाल लेंगे। नंबर हमारे पहले से जो चले आ रहे हैं उसी के क्रम में आगे चलते जाएंगे। और इस तरह से आपने ये जो 1000 रुपए बैंक से आहरित किए थे उसको नगद रूप में यहाँ पर 600 और 400 इस तरह से खर्च के रूप में दिखा दिए। अब कभी कभी ये होता है कि बैंक से हम कुछ सेवाएं लेते हैं, उन सेवाओं के बदले बैंक क्या करता है? कुछ चार्ज लेता है या कमीशन लेता है। मान लीजिए कि आपने 100 लीफ की एक चेकबुक का आवेदन दिया कि आपको 100 लीफ की एक चेकबुक चाहिए, तो बैंक चेकबुक का भी शुल्क लेता है। अब मान लीजिए कि बैंक के द्वारा चेकबुक का शुल्क काटा गया है, वो दिखाई दे रहा है पासबुक में 27 जून 2021। 27 जून 2021 को चेकबुक हेतु बैंक के द्वारा काटी गई राशि दिखाई दे रही है 350। चूंकि ये बैंक खाते से सीधे कटी है तो आप इसको कहां लिखेंगे? बैंक या चेक वाले कॉलम में 350 और योग 350। अब इसका वाउचर क्या होगा? बैंक तो आपको कोई बिल देगा नहीं, इसका वाउचर आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप एक सादे कागज में लिखें कि बैंक के द्वारा 100 लीफ की चेकबुक हेतु काटी गई राशि 350 रुपए, और उसमें जो संस्था प्रधान है, कार्यालय प्रमुख है, या एसएमसी अगर है तो एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव दोनों के सील और साइन हो जाएंगे, तो वही आपका वाउचर हो जाएगा। और उसमें आप वाउचर क्रमांक डाल दें 018। इस प्रकार बैंक के द्वारा काटी गई राशि का भी आप एक वाउचर बना करके अवश्य लगाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ वाउचर नंबर नहीं देंगे तो फिर इस राशि को भी यहाँ दर्शाने में हमको कठिनाई होगी और ऑडिट के समय हो सकता है कि परेशानी हो। तो इस प्रकार हमने नगद खर्च के रूप में जो राशि आई इसका माह में कुल व्यय हमने योग किया तो 600 और 400 1000 हो गया। इसी तरह बैंक चेक द्वारा, तो यहाँ पर हमने 1000 नगद आहरित किए थे और 350 रुपए बैंक के द्वारा चार्ज काटा गया, तो ये हो गया 1350 रुपए। और यही योग आगे गया है तो इसका भी हो गया 1350। अब आपके पास कुल राशि कितनी थी? 2040। यानी प्रारंभिक शेष और माह में प्राप्त आय को जोड़कर जो राशि थी वह थी 2040। अब 2040 में से आपने कितने रुपए खर्च किए हैं? 1350 रुपए। ऐसी स्थिति में आपके पास शेष कितने बचेंगे? 690 रुपए। तो आप यहां पर लिख दें
कुल राशि में से व्यय की गई राशि को घटा करके 690 रुपए यहां लिख दिया। अब ये जो 690 रुपए है ये आपका क्या है, अंतिम शेष, माह का अंतिम शेष। और ये जो माह का अंतिम शेष है यही अगले माह के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शेष। यानी इस राशि को हम जुलाई माह में, जब हम अगले पन्ने पर जुलाई माह की कैश बुक लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे 1/7/2021 प्रारंभिक शेष 690 रुपए। तो ये जो राशि है इसको हम अगले पृष्ठ में ले जाकर प्रारंभिक शेष के रूप में लिखेंगे। तो साथियों इस प्रकार कैश बुक संधारण बहुत आसानी से किया जा सकता है। कुछ एक चीजों का भर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने 1000 रुपए चेक के माध्यम से नगद आहरित किए हैं। हालांकि पहले ये नियम था कि 1000 रुपए या उससे अधिक की जो राशि है वह सीधे चेक के माध्यम से ही आपको संबंधित फर्म को भुगतान करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास भले 2000 रुपए के खर्च हैं लेकिन वो बहुत सारे मदों में टुकड़ों टुकड़ों में किया गया है, 200, 300, 500, 700। इस तरह से अगर आपके पास 5-6 बिल हैं जिनका कि आपको भुगतान करना है तो आप 1/7/2000, 3000, 4000 रुपए भी नगद आहरित करके और विभिन्न बिलों का भुगतान नगद रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही फर्म को 1000 से अधिक का भुगतान करते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसे फर्म के नाम से चेक प्रदान करें ताकि हमको ऑडिट में कोई परेशानी ना आए। तो साथियों आशा है आज के इस कालखंड में आपने कैशबुक संधारण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, आपको इससे कैशबुक संधारण में निश्चित ही मदद मिलेगी ऐसी आशा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।